देश भर में केंद्र की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के नीतियों को लेकर कांग्रेस पार्टी में विरोध देखने को मिल रहा है। वहीं संसद भवन में सुरक्षा की चूक और सांसदों के निलंबन पर अब बीजेपी को कांग्रेस चौतरफा घिरती हुई नजर आ रही है। विरोध प्रदर्शन कर रही कांग्रेस के आमिर विधायक प्रशांत शर्मा और जमवा रामगढ़ के पूर्व विधायक गोपाल मीणा ने बीजेपी को आड़े हाथों लिया है। इस दौरान हमारे संवाददाता सुरेंद्र सोनी ने खास बातचीत की। संसद भवन में जिस तरीके से सांसदों के निलंबन को लेकर के राजस्थान प्रदेश के साथ साथ आज पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस कमेटी और पार्टी के साथ साथ जो है वो इंडिया गठबंधन के अलग अलग दलों के जो तमाम बड़े नेता हैं वो पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। राजस्थानी जयपुर में भी जो है वो स्मारक शहीद स्मारक चौराहे पर जो है वो प्रदर्शन किया जा रहा है। विधानसभा के विधायक जो हैं प्रशांत शर्मा वो हमारे साथ मौजूद हैं। प्रशांत जी, किस तरीके से एक नेता की मिमिक्री करना और फिर बाद में सांसदों को जो है वो उनका निलंबन करना? निश्चित रूप से सांसदों का जो निलंबन किया गया, लोकतंत्र में सभी लोगों को, जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों को अपनी बात कहने का अधिकार है और उस अधिकार का संरक्षण सभी को करना चाहिए और बिना बात उनकी पूरी सुने और उनको जिस प्रकार से निलंबित किया गया ये निंदनीय है। एक किसान नेता की मिमिक्री करना और उपराष्ट्रपति की मिमिक्री करना, ये कहाँ तक, क्योंकि बीजेपी ने इसको मुद्दा बनाया है। नहीं, मुद्दा कैसे भी बनाए, लेकिन आप जिस तरीके से पिछले 2014 से लेके आज तक जिस प्रकार से संसदीय लोकतंत्र चल रहा है वो सबके सामने, इसमें मेरे को कहने के लिए अपनी ओर से कुछ नहीं है। बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ जो है वो जमवा रामगढ़ के पूर्व विधायक गोपाल मीणा भी मौजूद है। गोपाल जी, किस तरीके से ये माहौल नजर आया, क्योंकि अब प्रदेश में जो है, प्रदेश के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान में अब जो है वो विरोध प्रदर्शन हो रहा है और सांसदों का निलंबन है? बिल्कुल, बहुत ही गलत हुआ है और ये लोकतंत्र पे एक हमला है। लोकतंत्र की एक जिस प्रकार से किया है, मैं समझता हूँ कि ये पहली बार ऐसा हुआ है और ये निंदनीय है और ये पूरे देश में इसका आक्रोश है। 141 सांसदों को निलंबन करना एक बहुत ही बुरी घटना है और इसके विरोध में आज यहाँ पे धरना दिया जा रहा है पूरे देश में। ये तो एक मुद्दा छुपाने की बात है, बाकी मेन बात ये है कि जब गृह मंत्री को इसका बयान देने के लिए बात कही है, उन मुद्दों को भटकाने के लिए ऐसी बातें कर रहे हैं। बाकी मैं समझता हूँ कि ये 141 सांसदों का जो हमला है वो एक बहुत ही निंदनीय अपराध है, एक लोकतंत्र पे एक बड़ा प्रहार है। इसको जनता आने वाले 2023-24 में इसका जवाब देगी और कांग्रेस पार्टी इंडिया वापस यहाँ पे सत्ता में आई। बिल्कुल, हमारे साथ इस वक्त जो है वो कोशिश करेंगे महेश जोशी से बात करने की, कि महेश जोशी भी यहाँ पर मौजूद हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि महेश जी भाई साहब से भी बात की जाए। महेश जी भाई साहब, जिस तरीके से संसद में मिमिक्री को लेकर के एक बड़ा मुद्दा बनाया गया, फिर सांसदों का निलंबन, अब क्या बीजेपी क्या इन सांसदों के बिना सदन चला पाएगी? नहीं, मेरे ख्याल से उन्होंने सैनिटाइज किए है सदन को, लोकसभा राज्यसभा दोनों को। बात ये नहीं है कि कैसे सदन चलेगा, बात यह है कि जो मुद्दा उठाया जा रहा है वो मुद्दा कितना सही है। संसद की सुरक्षा में सेंध लग जाए, क्या ये मुद्दा सदन में नहीं उठना चाहिए? उन लोगों का षड्यंत्र बेनकाब होना चाहिए जो इसके पीछे हैं, क्या ये मुद्दा गलत है? क्या ऐसे संवेदनशील मुद्दे पे सरकार का, गृह मंत्री का, प्रधानमंत्री का बयान नहीं आना चाहिए? क्या गलत मांग कर रहा प्रतिपक्ष सदन में? निष्कासन करके गैर मुद्दों को उभारने की कोशिश करके और जिस तरीके से लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है, पूरा देश इससे सहमत है और इस घटना की निंदा कर रहा है। लेकिन बीजेपी तो भाई साहब ये कह रही है कि समय समय पर हम जो नोटिफिकेशन जारी करना है वो हम देश की जनता को जारी कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस इसको सिर्फ मुखौटा बता रही है, मखौल बना रही है इसका। कांग्रेस गंभीरता से मुद्दा उठा रही है। मैंने कहा ना, संसद की सुरक्षा उसमें सेंध लगती है
और इतने आराम से सेंध लग जाती है, इसका मतलब एक षड्यंत्र है, पूरे देश की जनता देख रही है। और मैं उम्मीद करके चलता हूँ कि देश की जनता कांग्रेस ने जो मुद्दा उठाया है उससे पूरी तरीके से सहमत है, और देश के संसद में जो सत्ता पक्ष ने जो कदम उठाया है और जिस तरीके का रुख अख्तियार किया है उससे पूरे देश की जनता असहमत है। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ में महेश जोशी जो पूर्व मंत्री हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या जिस तरीके से ये जो सांसदों का निलंबन है ये कहाँ तक सही है, और इस निलंबन के बाद जो है वो अब कांग्रेस आगे किस तरीके से कदम उठाएगी, और साथ ही साथ क्या ये जो विरोध प्रदर्शन पूरे प्रदेश भर में किया जा रहा है इस विरोध प्रदर्शन का कितना असर सामने आएगा। कैमरा पर्सन राकेश गुप्ता के साथ सुरेंद्र सोनी, नवतेज टीवी, जयपुर। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी, और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।